तेरी महिमा अपरंपार है प्रभु, तूने तो चमत्कार कर दिया। उस कुलक्षिणी की माँ ने उसे ताले में बंद कर दिया। अब ऐसा कुछ कर प्रभु कि ना जिंदगी भर वो ताला खुले ना वो मेरे बेटे से मिले। अगर ऐसा हो गया ना प्रभु तो मैं तेरे द्वारे घी के दिए जलाऊंगी, जिंदगी भर तेरी धुनी रमाऊंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबूजी देखिए ना बाबूजी, ये माँ ने रोज रोज क्या लगा रखा है। सुबह ताले में बंद कर देती और शाम को खोलती है, मुझे बाहर भी जाने नहीं देती। ये सब कुछ क्या हो रहा है? धीरे बोल बेटी धीरे, वो बाहर ही बैठी हुई है। तो फिर कुछ कीजिए ना बाबूजी। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हो रहा है? पेट में कुछ उल्टा हो गया। हिचकी हुई है। अरे लेट जाओ। दिल दिल जल रहा है, हड़बड़ मचा रहा है। में क्या क्या बीमारियां होती है आपको? लेट जाओ, बिल्कुल हिलना नहीं। गुड्डो तुम बाप बेटी दोनों एक दिन जान ले लोगे मेरी। तुम लेट जाओ, बिल्कुल हिलना नहीं, मैं अभी आती हूँ। गुड्डो जल्दी जल्दी डॉक्टर जल्दी कीजिए बाबूजी। ओ बाबूजी आप कितने अच्छे हो। अच्छा बाबूजी, अरे आप फिर अच्छे हो गए। क्यों मुझे फिर ठीक देखकर तुम्हें फिर तकलीफ हुई? अरे ये ताला किसने खोला है और पूजा कहाँ है? अपनी सहेलियों से मिलने गई। तुम पूजा को छोड़ो या मेरे पास बैठो, आज मैं तुमसे कुछ गंभीर बात कहना चाहता हूँ। अब और क्या गंभीर बात करना चाहते हैं? बेटी को तो भगा दिया, लौट कर आने दो उसे, डंडा लेकर बैठती हूँ। आज उसके पाँव नहीं तोड़े तो मैं भी उसकी माँ नहीं। आखिर इतना जुल्म क्यों गुड्डो? जब बेटी अपनी है तो उसकी पसंद अपनी क्यों नहीं? मुझे तो सूरज में कोई अवगुण नजर नहीं आता। वो पढ़ा लिखा है, अच्छे खानदान से, नेक है, शरीफ है, आखिर क्या खोट है उसमें? खोट इतना ही है कि वो उस बिमला का बेटा है। भगवान ने चाहा तब सब शुभ ही शुभ होगा। आज पिताजी ने हिचकी का बहाना बनाकर ना ही सिर्फ मुझे ताले से छुड़वाया बल्कि ये भी कहा कि वो माँ को मनाकर जल्द से जल्द हम दोनों की शादी करा देंगे। ये इतना आसान नहीं पूजा, तुम जानती हो मेरी और तुम्हारी माँ ये कभी नहीं होने देगी। लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया है कि अगर हमारे साथ कोई जबरदस्ती हुई तो हम घर छोड़कर भाग जाएंगे। बुरी बात। अरे अमर साहब आप? हाँ मैं। किले का काम पूरा हुआ नहीं तो पास ही गेस्ट हाउस में रहता हूँ। लेकिन आप दोनों ये घर से भाग जाने की बात क्यों कर रहे हैं? अब देखिए ना अमर साहब, हम शादी करना चाहते हैं, हम राजी, हमारे बाप राजी। लेकिन हमारी माए तो रास्ते का रोड़ा बनी हुई है। अरे तो इसमें घर से भाग जाने की क्या बात है? जो नहीं समझते उनको समझाना चाहिए। घर बार माँ बाप को छोड़कर भाग जाने से अगर प्यार करने वालों की तकदीरें बन सकती हैं तो फिर माँ बाप के आशीर्वाद और शादी ब्याह की जरूरत क्या है? जिस तरह तुम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो उसी तरह तुम्हारा प्यार तुम्हारे माँ बाप के आशीर्वाद के बिना अधूरा है। पूजा तुम्हारी माँ से हम बात करेंगे, चलो। अरे आप नहीं जानते अमर साहब, मेरी माँ तो बहुत कड़क है, अभी भी बैठी होगी दरवाजे पे डंडा लेके मेरे इंतजार में। अच्छा तो ये बात है। चलो भाई सूरज ये भी देखते हैं कि इंस्पेक्टर अमर की छोटी बहन पर उसकी माँ कितना रोब झाड़ती। इंस्पेक्टर? यस। गुड्डो ये डंडा तो फेंक दो। नहीं फेंकूंगी। इतने बड़े डंडे से मारोगी क्या बिचारी को? चुप। गुड्डो अब गुस्सा थूक भी दो। नहीं थूकूंगी, आज तो मेरी खैर नहीं। देखो मैंने कहा था ना माँ के हाथ में डंडा है, कई काम से। अरे तो डरती क्यों हो तुम? चलो मैं आ रहा हूँ। चलो मैं आ रहा हूँ, मैंने तुमसे कहा ना डर मत। चलो आ गई कुल का नाम रोशन करके। जी भर गए तेरा उस माटी मिले के गले लग के। पर मैंने क्या किया है माँ? अभी बताती, बाप के शह पे उड़ती फिरती रहती है। आज तेरी हड्डी पसली नहीं तोड़ी ना तो मेरा नाम भी बाबूजी बता रही है तू। बाबूजी कहाँ जाएगी तू? अरे घुटो। अरे आज तो सही बोली माँ। बाबूजी आज बाबूजी बाबूजी भाई क्या हो रहा है आप? मैं कुछ भी करूँ तुम्हें इसे मतलब? ये मेरी बेटी है, तुम रोकने वाले कौन होते हो? मैं रोकने वाला कौन होता? अरे मैं वो हूँ जो तुझे डंडे पड़वा सकता हूँ, जेल भिजवा सकता हूँ और चक्की भी पिसवा सकता हूँ, समझी? मैं हूँ सीआईडी इंस्पेक्टर अमर। आहा क्या
और जो तेरी बेटी ने तेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी ना, वो आज मैंने अपने कानों से सुनी है और अपनी आंखों से देखी है। चल थाने। यानी तुम पुलिस वाले हो? और क्या, चने बेचने वाला हूँ। तुम मुझे थाने लेके जाओगे? हाँ। अरे सुन रहे हो पूजा के बाप को? अरे हाँ हाँ सुन रहा हूँ भगवान। तो हुजूर आपको भी पता चल गया कि इसने दो दिन तक पूजा बिटिया को बिना दाना पानी दिए ताले में बंद रखा, इसे रुलाया तड़पाया। हाँ दिख रहा है मुझे इतना बड़ा डंडा सबूत के तौर पे। चाल थाने के अंदर। दुहाए इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दो, मैं नरक में जाऊंगी अगर अपनी फूल जैसी बेटी को फिर से मैंने सताया तो। मैं इनकी कसम खा के कहती हूँ, मैं अब कभी नहीं सताऊंगी। अरे तुम भी कुछ बोलो ना। हाँ इंस्पेक्टर साहब, इस बार इसे माफ कर दीजिए, ये अब पूजा बिटिया से कुछ नहीं कहेंगी। ठीक है चौधरी साहब, मैं आपकी जमानत पर इन्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन आइंदा मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए। और मैंने ये भी सुना है कि पूजा को कोई चार पांच गांव के बदमाश छेड़ते रहते हैं, उन्हें तो कल मैं देख लूंगा। और चौधराइन, आज के बाद अगर तूने इसे तंग किया या इसकी आंखों में आंसू आए तो मैं तुझे जेल में डाल दूंगा। कहां डाल दूंगा? जेल में। 3 साल तक चक्की पिसवाऊंगा। क्या पिसवाऊंगा? चक्की। हाँ अब मैं जा रहा हूं, और ये डंडा इसको मत देना। चल गुड्डो, अब तो तुमने मेरी कसम खा ली। ब्यूटीफुल, मार्वेलस, सिंपली वंडरफुल। क्या गिटपिट लगा रखी है? ये गिटपिट नहीं, अंग्रेजी है मैडम, अंग्रेजी। या? मुझ जैसे ग्रेजुएट से शादी करनी है तो अंग्रेजी और सीखनी पड़ेगी। ये जो तुम रटती रहती हो ना, CAT कैट, RAT रैट, इससे काम नहीं चलने वाला। जानती हूँ, इससे काम नहीं चलने वाला, इसीलिए मैंने और भी अंग्रेजी सीख रखी है। CAT कैट, RAT रैट ही नहीं, मुझे HAT हैट भी आता है। वाह 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 वाह, इतनी तरक्की की है अंग्रेजी में कि तबीयत खुश हो गई। तुम्हारी अंग्रेजी पर तो पूरे इंग्लैंड में आग लग जाए। कम या पूजा, मैं सोच रहा था कि तुम अगर सचमुच की मेम होती तो छोटे बाल, काली हैट, लंबे लंबे गाउन और हाथों में काले दस्ताने। फिर मेरे दरवाजे पे पुलिस। तुम लोग यहीं ठहरो। राम राम इंस्पेक्टर साहब, आप काहे को तकलीफ की यहाँ आने की? अब तो यहाँ बिल्कुल सब ठीक ठाक है। आजकल तो मैंने पूजा बिटिया को फूल से भी मारना छोड़ दिया है। कसम भगवान की, आजकल सब जगह यानी मेला वेला, बाजार बाजार, पनघट पनघट, सब जगह मैं पूजा बिटिया को ही भेजती हूँ। देखिए ना, देखिए, इस वक्त भी वो घर में नहीं है, अपनी सहेलियों के साथ घूम रही है। अब तो मेरे लिए हथकड़िया नहीं है ना। ये क्या अनाप शनाप बोल रही हूँ मौसी, मैं इस घर में हथकड़ी नहीं, रिश्ता लेकर आया हूँ। तुमने मुझे पहचाना नहीं मौसी? नहीं। अरे मैं बलरामपुर के जगह चौधरी का बड़ा लड़का विजय प्रताप चौधरी हूँ। अरे तो ये तू है? हाँ मौसी, प्रणाम। जियो बेटे। तो फिर ये वर्दी? पुलिस की। अच्छा तू पुलिस में है? हाँ। तू पुलिस में है? हाँ मौसी। आओ अंदर आओ बेटा। नहीं नहीं बाहर ही बैठते हैं, जरा गांव वालों को भी देखने दो कि चौधरी के घर बड़ा पुलिस अफसर आया है। बैठो बेटे। तू मेरे घर पूजा का रिश्ता लेकर आई थी मौसी, लेकिन मैं तुमसे मिल ना सका, ट्रेनिंग पर था ना। हाँ। लौट कर आया तो पता चला कि तुम पूजा की फोटो छोड़कर आई थी। पूजा तो लाखों में एक है। माँ ने पूछा है मौसी कि मुहूर्त कब का निकलवा रही हो। अरे बस समझ ले, मुहूर्त निकल ही गया। हाँ। मुझे तो इसी दिन का इंतजार था, और सोने पे सुहागा तो ये है कि तू भी इंस्पेक्टर निकला। लो कर दी ना छोटी बात तूने। अरे तेरा प्रताप तो सीधा ASP बना है। हाँ? और ये इंस्पेक्टर तो उसके आगे बहुत छोटे होते हैं मौसी। अच्छा तो तू इंस्पेक्टर से भी बड़ा है। अरे वाह, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ माँ, आज तुम्हारी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकती। आज कुदरत के रंग देख के मैं दंग रह गई। धुंध की एक हल्की सी चादर फैली थी और उसके नीचे आसमान और जमीन का मिलन हो रहा था। आज पहली बार माँ मैंने सपनों का सतरंगी इंद्रधनुष देखा जो मेरी सासों को छू रहा था। कभी आ रहा था तो कभी जा रहा था। जा, माँ, 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 खोल दो माँ। बड़े रहे अंदर। माँ, माँ, मुझे क्यों बंद कर दिया माँ? आज से तेरी एक नहीं चलने वाली, आज से तेरी मनमानी बंद, उस जंगली से मिलना जुलना बंद। आज से जो मैं चाहूंगी वही होगा। पर माँ, वो इंस्पेक्टर को पता चला ना कि तूने मुझे फिर से ताले में बंद करके रखा है, तो तुझे हथकड़ी लगा के चक्की पिसवाएगा।
मैंने बहुत देखे तेरे उस दो कौड़े के इंस्पेक्टर जैसे। आज तुझे पता है कौन आया था? विजय प्रताप चौधरी, मेरे गांव का। अब वो पुलिस में बहुत बड़ा अफसर बन गया है। उसके नीचे ऐसे 36 इंस्पेक्टर सांस रोके खड़े रहते हैं, सुबह शाम उसे सलामी ठोकते हैं। अब तू देख आगे आगे होता है क्या।